आप में से काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि यार 10-11 हज़ार रुपए के अंदर कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा रहेगा खरीदने का। तो मैं आज आप लोगों को चार ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो आप लोग जुलाई के महीने में या एटलीस्ट अगस्त के 15 अगस्त तक ये वाले सारे फ़ोन खरीद सकते हैं और ये वाले वर्थ रहेंगे 10 से 10.5 हज़ार रुपये के बजट के अंदर। मैं 10.5 हज़ार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसे फ़ोन के कुछ फीचर्स मिल गए जो आप लोगों को 10.5 हज़ार में रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बजट में बहुत बेस्ट फिट बैठेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते अपने पहले फ़ोन की तरफ। पहला फ़ोन हमारी लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी M01S। इसके अंदर हमें 6.2 इंच की एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अंदर जो रिजोल्यूशन होगा वो 720x1280 पिक्सल्स का होने वाला है। एस्पेक्ट रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 19:9 का इसमें रेशियो है, मतलब जो नीचे वाली बेजल्स होगी वो थोड़ी सी मोटी होने वाली है और साथ में ही वाटर ड्रॉप नॉच हमें इसमें देखने को मिल जाती है। ये वाला फ़ोन अभी 16 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। इसके अंदर में जो रैम मिलेगी वो मिलेगी 3 GB और स्टोरेज होगी 32 GB, बट इसमें हम लोग मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 512 GB, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो डुअल कैमरा सेटअप हमें इसके रियर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा होगा 13 MP का और 2 MP का एक ऑटो फोकस कैमरा। 1080p तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा इसमें 8 MP का होने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। क्यों की बात करूँ तो MediaTek का हीलियो P22 जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। साथ में ही GPU जो है वो IMG पावर VRG 8320 जो एक डिसेंट GPU है अगर आप लो से मीडियम सेटिंग्स की गेमिंग करना चाहते हैं तो। अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 4000 mAh की हमें इसमें ह्यूज बैटरी देखने को मिलेगी और ये ओवरऑल जो पैकेज है ये आप लोग सिर्फ 10 हज़ार रुपये के बजट के अंदर Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं। अगला फोन है हमारी लिस्ट में Realme का C3। ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है इस प्राइस रेंज के अंदर। इसमें हमें 6.52 इंच की एक 720p डिस्प्ले मिलेगी जो एक LCD स्क्रीन होगी। एस्पेक्ट रेशियो इसके अंदर 20:9 का हो गया, मतलब जो बेजल्स होंगे वो और भी ज़्यादा छोटी होंगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आप लोगों को इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ में ही वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इसमें हमारा सेल्फी कैमरा लगा होगा। रैम की बात करूँ तो 4 GB रैम आप लोगों को 10 हज़ार रुपये के बजट के अंदर मिल रही है। साथ में जो स्टोरेज है वो 64 GB, बट इसके अंदर आप लोग मेमोरी कार्ड सिर्फ 256 GB तक का लगा पाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसमें कैमरे की तो इसमें आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप इसके रेयर में देखने को मिलेगा, 12 MP का एक प्राइमरी कैमरा और 2 MP का एक पोर्ट्रेट फोटोज़ वगैरह अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो। फ्रंट में 5 MP का एक सेल्फी शूटर होगा, दोनों ही जगह से आप लोग 1080p तक की रिकॉर्डिंग इजीली कर सकते हैं और बहुत सारे रियलमी की तरफ से कैमरा ट्वीक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें हमें MediaTek का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो एक ऑक्टाकोर 2 GHz का प्रोसेसर है। GPU की बात करूँ तो आम माली G52 जो एक डिसेंट GPU है लो टू मीडियम सेटिंग्स के अंदर अगर आप ठीक ठाक गेमिंग करना चाहते हैं तो। बात करूँ इसमें बैटरी लाइफ की तो इसमें हमें 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी मिलने वाली है और कंपनी क्लेम करी है कि स्टैंड बाय टाइम इसका 1 महीने का है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल ये पैकेज आप लोगों को सिर्फ 10 हज़ार रुपये में मिलेगा। तीसरा फोन है हमारी लिस्ट में रियलमी नार्जो 10A। ये अगर मैं रियलमी C3 और सैमसंग गैलेक्सी M01S से कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है 10 हज़ार रुपये के बजट के अंदर। इसके अंदर हमें 6.5 इंच के एक LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का होगा और मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो वाटर ड्रॉप नॉच हमें सेल्फी कैमरा के अंदर देखने को मिलेगी। रैम की बात करूँ तो 4 GB रैम इसके अंदर में देखने को मिलेगी, साथ में ही स्टोरेज 64 GB का, बट मेमोरी कार्ड इसमें आप लोग सिर्फ 256 GB का लगा पाएंगे। ये जस्ट अभी 1 महीने पहले ही जून में लॉन्च हुआ है 2020 में, तो ये बहुत ही लेटेस्ट फ़ोन हुआ। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ हमें ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। 12 MP का इसमें प्राइमरी सेंसर होने वाला है, 2 MP का एक मैक्रो सेंसर और 2 MP का पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आप लोग को 5 MP का F2.4 वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जिसे आप लोग 1080p तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो सेम MediaTek का हीलियो G70 प्रोसेसर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा जो हमें रियलमी C3 में भी देखने को मिलता है। 2 GHz का प्रोसेसर है, बट इसके अंदर जो हमारा GPU है वो माली का G52 2EE MC2 प्रोसेसर है जो थोड़ा बहुत अलग है, बट आप लोगों को परफॉर्मेंस GPU के अंदर ही सेम ही देने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की तो इसमें भी हमें 5000 mAh की लिथियम पॉलीकार्बोनेट बैटरी देखने को मिलेगी और कंपनी इसका भी क्लेम करे कि 1 मंथ तक का स्टैंड बाय टाइम इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आखिरी फोन हमारे लिस्ट में इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो। ये मैंने लास्ट में इसे रखा है क्योंकि ये वाला फ़ोन हमारे 10 हज़ार रुपये के बजट से थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है। 10,500 में आप लोग इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, बट इसके अंदर आप लोगों को एडिशनल बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले। कैमरा की बात करूँ, बैटरी लाइफ की बात करूँ या अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। 6.6 इंच के आप लोगों इसमें 720x1600 रिजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलेगी, IPS LCD, साथ में ही जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो 20:9 का होगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मोर देन 90% है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें आप लोगों को पंच होल कैमरा फ्रंट में देखने को मिलने वाला है, तो जो कि इस फोन को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है और साथ में ही 2.5D ग्लास मिलेगा आपको फ्रंट में ही।
मेमोरी की बात करूँ तो 4 GB रैम आप लोग इसमें देखने को मिलेगी, साथ में ही 64 GB स्टोरेज। मेमोरी कार्ड आप लोग इसमें सिर्फ 256 GB तक का ही लगा पाएंगे। अगर मैं कैमरे की बात करूँ जो इसका मेन हाईलाइट है, रेयर में आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट में एक कैमरा, तो टोटल इसमें 5 कैमरे में देखने को मिल जाते हैं। 48 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा, 2 MP का एक डेप्थ सेंसर, 2 MP का एक मैक्रो सेंसर और साथ में एक लो लाइट सेंसर होगा ऑटो फोकस के साथ। अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 8 MP का एक सेल्फी कैमरा होने वाला है पंच होल के अंदर और आप लोग सारी कैमरों से 1080p तक की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 2 GHz ऑक्टा कोर ओवरक्लॉक्ड है, और सेम जो सैमसंग गैलेक्सी M01S में हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है GPU, वही सेम GPU इसके अंदर भी हमें देखने को मिलने वाला है। बट अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये सारा पैकेज आप लोग सिर्फ 10,500 में फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो ये वाला फ़ोन सबसे बेस्ट है इस कैटेगरी के अंदर, अगर आप 10,000 रुपये से 500 रुपये ऊपर खर्च कर सकते हैं, अदरवाइज रियलमी नार्जो और रियलमी C3 आपके बजट के अंदर बहुत परफेक्टली फिट होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों ही फ़ोन पसंद आएंगे, और अगर आपने अपने लिए कोई फ़ोन सिलेक्ट किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये के बजट के अंदर या 10 या 11 हज़ार रुपये से ज़्यादा के बजट के अंदर कोई स्मार्टफोन की वीडियो, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जा ही रहे हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप फ्यूचर वीडियोस मिस नहीं करना चाहते ऐसे स्मार्टफोन के वीडियोस के बारे में। अब आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।